तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव कार नमः त्रियोग संहार के। सिद्धावस्था की तलहटी, जीता जागता जैन दर्शन, चलते फिरते सिद्ध, इनकी हम अंतरंग चर्या तो रत्नत्रय रूप होती है, वो ना हमको दिखती है ना चरणानियोग की आज्ञा है देखने की। इसलिए उनकी किस प्रकार बहिरंग चर्या होती है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मूल रूप से पांच महाव्रत और इनके रक्षक 23 शील व्रत, इस प्रकार 28 मूल गुणमय बहिरंग मुनि जीवन की चर्चा हमारी चल रही है। अहिंसा महाव्रत की चर्चा हमने की, इसकी पोषक भावनाएं हम देख रहे थे, जिसमें वांग मनोगुप्ति तथा ईर्ष्या समिति, इन तीनों की चर्चा हमारी हुई। कोई भी प्रकरण आपको 108 कोटि के स्तर पर उनका त्याग विचारना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आपको कि मुनिराज बिना देखे गमन नहीं करेंगे, ईर्ष्या समिति नहीं पलेगी, अहिंसा महाव्रत नहीं पलेगा, तो स्वयं नहीं चलेंगे इतनी ही बात नहीं है, कोई अपने निमित्त से चले असावधानी से, ये भी उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उनके कोई सामूहिक आयोजन नहीं होते, पंचकल्याणक में उनकी उपस्थिति नहीं होगी, किसी भी भीड़ में भड़के में आयोजन में उनका प्रेजेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यदि सबको पता चले वे आने वाले हैं, पत्रिका में नाम छपा देखा, जितनी भी भीड़ उनके उनको मुख्य करके आएगी, उनके गाड़ी के नीचे जितने भी जन कुछ ले जाएंगे, अनायास कोई आया हो उनके पास वो बात अलग, सहजता में किसी को पता चला होगा, दैट इज अनअवॉइडेबल। पहले जमाने में तो ऐसा होता ही था, मुनिराज गमन कर रहे वन में विचरण कर रहे हैं, राजा को पता चल गया, पता चलता ही था राजा को, राजा का तो सर्वत्र अधिकार है, तो उनको सब पता चलता है, तो किस दिशा में मुनि आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो पता चले वो सदल बल अपना सपरिवार, वो राजा स्वयं जाता था दर्शन हेतु, कुछ उपदेश लेने हेतु, वो बात अलग है, लेकिन प्री प्लान अपन किसी को वे स्वयं कमिट नहीं करेंगे कि हम वहां पर आ रहे हैं, आने में क्या बाधा है, उनके निमित्त से जितने भी लोग आएंगे वे जितनी भी हिंसा करेंगे गाड़ी के नीचे अथवा बिना देखकर जितना भी वे गमन करेंगे चलते हुए, वो सब पाप इनके माथे आ जाएगा। कृत कारित अनुमोदन, हर प्रकार से वे त्यागी हो चुके हैं। मुनि का स्वरूप मूलाचार में कहते समय वहां पर स्पष्ट ऐसा लिखा मिलता है, सवणा अपरिबद्धा, सवणा अपरिबद्धा का अर्थ श्रमण अप्रतिबद्ध होते हैं, अर्थात किसी से बंधते नहीं है। कोई आकर उनको कहे महाराज आपको उस कार्यक्रम में पधारना है, 4 महीने के बाद हम कुछ आयोजन कर रहे हैं, तो मुनिराज क्या उत्तर देंगे? आप में से कोई बोल सकता है? वे मौन धारण करके ही उनको उत्तर प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानी जीव है जो हमें आमंत्रण देने आया है, उसे ये पता नहीं है कि हमारा कोई पर्व और कोई तीर्थ कुछ भी नहीं होता है,
समझ रहे, इसलिए तो उनको अतिथि यह संज्ञा है, उनके लिए कोई तिथि कोई शुभाशुभ नहीं उनको, तो कोई विशेष प्रयोजन का भीड़ भड़के में जाने का तो उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और फिर मंच होगा, मंडप होगा, माइक होगा, स्टेज होगा, कतई नहीं होगा ऐसा, वे उसमें जाए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। बोलो मंच पर चढ़ सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं चढ़ सकते? कृत्रिम रूप से खड़ा किया है लकड़ी लकड़ी से। और कितनी बार ऐसा देखने में आता है, सुना है कभी आपने मंच ही गिर गया? सुना है कभी आपने? मेरे सुनने में ऐसी 2-3 घटनाएं हैं, मंच गिर गया और बहुत चोट आ गई। टेम्परेरी होता है ना वो, जो भी हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि ऐसे कोई कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। क्या शब्द का प्रयोग किया? अपरिबद्धो। मुझे तो अप क्या लिखा, अपरिबद्धा। मैं तो ये कहना चाहता था कोई प्रश्न पूछे कि आप कार्यक्रम में आएंगे जरूर पधारना, वे चुप रहेंगे। और बहुत बोलने का मौका पड़ा, किस रूप से बोलेंगे वे? देखते हैं क्या होता है। क्यों नहीं आएंगे कहना भी उनको एक कहना चाहिए, एक संकट में पाड़ देगा। क्यों? नहीं जाने की बाध्यता हो जाएगी फिर, और आऊंगा कहेंगे तब तो बाध्यता है ही, जाना ही पड़ेगा। नहीं आऊंगा कहकर बाध्यता कैसे हो सकती है? अरे उनको सहज में भाव आया हमको कहीं भी विचरण करना है, और घूमते घूमते अनायास वहां पर चले गए, तो क्या समस्या है? क्यों साहब आप तो बोले थे नहीं आएंगे, आप तो आ गए। तो हम कोई वही से गुजर रहे थे, कोई कार्यक्रम में तो नहीं आ रहे थे वे। लेकिन कोई अगर जब आपको ये छल क्यों किया आपने, तो किसी प्रकार से असत्यता घोषित नहीं होगी उनके वचन में। देखेंगे क्या होता है, मतलब जैसा मन होगा वैसा होगा। हो भी सकता है ना, नहीं भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, समझते हो आप। इसलिए किसी भी पत्रिका में उनका नाम छपना ये बिल्कुल असंभव है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और आगे स्वयं उस छंद में लिखते हैं, सवणा अपरिबद्धा विज्जु जह, विज्जु जह बिजली समान दिठ नठवा। दिठ नठवा मतलब देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कौन? नष्ट मतलब क्या अर्थ लेंगे यहां पर? देखते ही देखते गायब हो जाते ही। मुनियों का स्वरूप बता रहे हैं यहां पर, बिजली समान उनका देखने में होता है रूप। बिजली समान मतलब अभी दिखे और फिर गायब हो गए, फिर गायब हो गए मतलब क्या कहना चाहते हैं? और वे वन विचर हुए, धड़ाधड़ आगे बढ़े आगे बढ़े। उनका ठिकाना, उनका पार कोई नहीं पार सकता, उनको कोई बांध नहीं सकता, ठीक है। और जो ये कहेगा मैं उस समय में आऊंगा, ठीक है 4 महीने के बाद आना है, ठीक है मैं आऊंगा, ऐसा कमिट करने में क्या दिक्कत है, कोई बताएगा? अरे जब 1:30 बजे का प्रवचन चलता है यहां पर, तो मैं 10 बजे के प्रवचन की मुझे कभी कोई कहता है 9:15 के बाद के प्रवचन की, मैं इनको साफ मना कर देता हूं। मैं कहता हूं मैं नहीं आऊंगा प्रवचन करने। तो क्यों? मेरा शेड्यूल ब्रेक होता है ना, मेरा पूरा शेड्यूल्ड काम चलता है। आप मुझे 9 बजे बुलाते हो ये भी लेट है वैसे, लेकिन 9 बजे तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। अब 9:15 बजे बुलवाएंगे आप, अब कितनी देर करवाएंगे? और मेरे 10 बजे भोजन का टाइम है, तो साहब यहाँ हुआ, अरे यहाँ हुआ, फिर 10 बजे भोजन करेंगे, हमको 11:30 बजे सामयिक में बैठना है, फिर भोजन लेट होगा, सामयिक में कैसे बैठेंगे? किसी कीमत पर सामयिक नहीं छोड़ेंगे। और सामयिक हो गई, फिर 1:30 बजे यहाँ पर आना है हमको क्लास लेने, फिर और एक प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, सभी प्रोग्राम डिस्टर्ब होंगे। बहुत मैं क्लास स्कूल में पढ़ाता था, अभी खनियादान में था, 5 मिनट लेट 7 मिनट लेट हो गए, बाहर नहीं आए टीचर, निकल जाता था मैं वहां से अपने अपने कमरे में आराम से। वैसे कोई बोलता तो कुछ नहीं था मुझे, लेकिन फिर मैं इन्फॉर्म कर देता था, मैं आकर गया। तो वो ये है जो पीरियड का टाइम है, टीचर बाहर खड़ा है, कितनी देर खड़ा रह सकता है? लास्ट पीरियड है तब तो फिर भी चलेगा आपका काम, लेकिन जब दूसरा टीचर आकर खड़ा है 7-8 मिनट, हम पैरों पर खड़े हैं, हम क्या करेंगे? 35 मिनट का पीरियड है, 10 मिनट तुम छीन लोगे हमसे, 25 मिनट में हम क्या पढ़ाएंगे? या हम चले, तो एक कार्यक्रम बिगड़ गया तो सभी कार्यक्रम बिगड़ जाएंगे फिर,
आप समझते हो मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं मालूम आपको, मुझे दोपहर के प्रवचन का सेटिंग करना है तो मुझे विकल्प सुबह से चालू होते सब, तो जिनको 4 महीने के पहले ही जिन्होंने बुक कर लिया कार्यक्रम, तो उनको क्या है 4 महीने मुझे वहां पर पहुंचना है। कहां पर पहुंचना है? विदिशा तक। इसका मतलब हमको अभी गमन चालू करना चाहिए। फिर क्यों अभी गमन करेंगे? 8 दिन में वहां तक पहुंचेंगे, फिर थोड़े में ही यहां वहां नहीं पहुंच पाए, कोई बाधा आई, एकदम संकलेश परिणाम चालू होता है। क्यों? और फिर प्री प्लानिंग होगी तो साथ में चौका भी चले गई, फिर वो पूरी चर्चा करने वालों में कब, ये मैं एशना समिति में पूरी चर्चा करूंगा आहार के संबंध में, चार अभी नहीं, तो साथ में चौका चलेगा। तभी तो तुम इतना बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम जब निकले इनडेफिनेट है पहुंचना मुनियों का, क्यों उनका कैसा स्वास्थ्य रहेगा, आहार मिलता है नहीं मिलता है, अंतराय होती है, ये तो तुम इस दम पर बोल रहे। ठीक है हम 1 महीने में पहुंच रहे, किस दम पर बोले? पूरी तुम्हारी गाड़ियां लगी है आसपास, अब जगह जगह फिर भोजन करते ही जाना है, ऐसा राजमार्ग नहीं है ये। वे पहुंचेंगे भी कि नहीं ये नहीं कह सकते, भोजन नहीं मिला 2-4 दिन, वीकनेस आ गए, कुछ समस्या है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे वे। अब सब समझ रहे मेरी बात को? मैं ये कहता हूं हमने सामान्य भी किसी को टाइम दिया तो दिक्कत खड़ी हो जाती, इसलिए देखना कभी जब 2 आदमी मिलते हैं और कहते हैं कितने बजे मिलना है, तो कहते एक काम करना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। क्यों? तुम मेरे पास आने में फिर बहुत अपने टाइम की बहुत दिक्कत हो जाती है, समझते हो, मतलब एक अनइजीनेस फीलिंग चालू होती है हमको। उसी प्रकार 4-4 महीने पहले ये सेट करेंगे कार्यक्रम तो बंद जाएंगे, उनकी सामयिक वगैरह ढंग से नहीं हो पाएगी। अरे हमारा 8 बजे प्रवचन होगा ऐसा किसी ने मुनि ने बोल दिया तो उसमें क्या बाधा है? नो, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप नक्की नहीं कर सकते। क्यों? क्या बाधा है? 8 बजे जिसने प्रवचन करने की प्रतिज्ञा की है, वचन दिया है, उसने मानो ये प्रतिज्ञा की है कि 8 बजे के करीबन हम शुद्धोपयोग नहीं करेंगे। वो तो प्रवचन की प्रतिज्ञा नहीं दी है उसने किसी को, प्रवचन का वचन न देकर उसने शुद्धोपयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है, और वो बराबर उपयोग डोलायमान होता रहेगा ना, स्वाधीनता से वो कमरे में बैठकर अभी शुद्ध उपयोग नहीं कर सकेगा। क्यों? पब्लिक आकर बैठी है, माता खाएगी। आप समझ रहे सब मेरी बात को? विज्जुजह कहकर बिजली समान दिठ नट्ठा वा, वो देखते ही देखते हुए गायब हो जाते हैं। स्थाई कहीं रहना उनका काम नहीं है, ऐसे वे किसी से बंदे नहीं है, ऐसे वे महामुनिराज है। ये मैंने क्यों कहा? उनके निमित्त से किसी का गमन हो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि वे एरिया समिति से नहीं चलेंगे तो इनके माथे पूरा पाप आ जाएगा। आप सब समझ रहे मेरी बात को? देखो ऐसा तक कथन मिलता है कि पुराणों में शिखर जी तक महाराज गए मुनि महाराज, तो पूरे नगरवासी शिखर जी तक गए उनके साथ। सुना है आपने पार्श्वनाथ भगवान का वो अरविंद मुनि, वे शिखर जी की तरफ बढ़े, वे सब पूरे गांव वाले साथ साथ शिखर जी में गए। तो ऐसा जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। सुनिए, लेकिन वो प्री प्लान नहीं है ना कुछ, ये अपने लिए जा रहे शिखर जी, और साथ ही साथ वे सोच रहे मुनियों को आहार मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और आप समझ रहे, तो बिल्कुल नेचुरल वे सामग्री लेके जा रहे स्वयं के भोजन के लिए, अपनी रसोई बन रही तो उनकी भी उसमें बनी रही है, उनकी भी बन रही है, मतलब अलग से तो नहीं बन रहे, पड़गान हो रहा है और उनको भी आहार मिल रहा है, बिल्कुल सहजता की बात है। लेकिन प्री प्लैंड और गाड़ी वाड़ी लेकर तो संभव ही नहीं है, समझ रहे, ये हिंसक की बात नहीं हो सकती, और वो फिर रहना भी जंगल में ही होगा श्रावक का, समझ रहे, तभी तो उनको आहार मिलेगा, नहीं तो वे लॉज में कहीं रहेंगे और फिर यहां आहार देने आएंगे जंगल में, ये तो संभव नहीं है ना। पहले जमाने में जंगलों में इसे तो निकलते थे बराबर रास्ता, तो ये भी जंगल में निकल रहे, आहार बन रहे जंगल में, ये आहार के लिए निकल रहे हैं मुनिराज, तो बराबर उनको मिलता जा रहा है। ये सहजता से सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन उनके निमित्त से एक भी कदम कोई बढ़ाता है तो पूरा पाप इनको लगेगा। एरिया समिति का 108 कोटी से पालन एरिया समिति का इनके जीवन में देखने में आता है। और थोड़ी सी बात,
इनका आहार विहार निहार ये कुछ भी उद्दिष्ट नहीं होता है, प्री प्लान्ड नहीं होता है। किसी को भी थोड़े भी पहले लीक नहीं होती है ये वार्ता कि इनको निकलना है। क्यों? यदि विहार आना जाना उनका नक्की हो जाए तो ये जो बैंड बाजे लोग बजाने लग गए ना आज, और ये कहते आज फलाने महाराज का विहार होगा यहां से, तो तुम्हें कैसे पता चला यहां से निकलेंगे, और तुम्हें कैसे पता चला आज कोई मुनि महाराज आएंगे, तुमको तो बताया नहीं उन्होंने। मतलब ये प्री प्लान ऐसा करते हैं तो पब्लिक आयोजन तो करेगी, बैंड बाजा तो बजाएगी, रिसीव करने आएगी, और वो रिसीव करने आने में सहजता में कोई बाधा नहीं थी, सहजता में पता चल गया आ रहे और सब आ गए। लेकिन वो प्री प्लान हो गया, पहले वो न्यूज लीक हो गई बाहर, और जबकि मुनि संघ के अलावा बाहर में न्यूज किसी भी श्रावक को बताते नहीं है किस दिशा में गमन करना है, कब गमन करना है और कहां गमन करना है, जबकि चार दिन पहले बता देते हैं, चार दिन के बाद महाराज यहां पर आने वाले, व्यवस्था चालू होती है। और थोड़ा ही मुनिराज को आहट लगे, अपने निमित्त से इन्होंने बनाया है अपना नाम लेके, वे वहां रुकेंगे ही नहीं, वे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आप सब समझ रहे हैं ये स्थिति है। और यदि मुनिराज का आहार हुआ हो, बोलो, कब मतलब जैसे रात्रि में क्या बात कर रहे हैं, रात्रि में कैसे विहार करेंगे, दिन में ही तो प्रासुक भूमि देखकर जीव जंतु से रहित कैसे चलेंगे, नहीं तो नहीं समय पे वो आ संकट नहीं, संकट आएगा तो ऐसे संकट को देखकर भागते चलेंगे तो काम चलेगा क्या, ऐसा ये नहीं होगा। रात्रि में गमन वो हम चर्चा कर लेंगे आगे, रात्रि में गमन यदि हो सकता है तो किन परिस्थितियों में होता है मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, अभी कोई चर्चा नहीं करूंगा। चलना है आगे, कहां तक आए? हाँ अभी आगे सुनो, यहां तक मैं आपको बताऊं कि यदि वे भोजन करके एक घर में से निकले, उनके साथ कोई एक आदमी उनको छोड़ने के लिए समझो उनके साथ साथ जंगल चला, वे बढ़ते गए 10 किलोमीटर आगे, एक प्रकार से वो विहारी के लिए निकल रहे थे समझ लो, तो 10 किलोमीटर चलने के बावजूद भी वे ये नहीं कहेंगे साथ वाले को ठीक है अब तुम निकल जाओ, ठीक है ऐसा भी नहीं कहेंगे, ऐसा सामान्य इशारा किया अब तुम चले जाओ, अब तो बहुत दूर आ गए अब तुम चले जाओ अब हम निकल जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे मुनि। क्यों? ये बोलने में क्या आपत्ति है? ये बोलने में आपत्ति ये है, ये तुम्हारे लिए आए ये बात सिद्ध हो जाएगी फिर, मतलब यहां तक जो वे चल के आए उसमें आपका समर्थन था अनुमोदन था ये बात जायज हो गई। मतलब कितनी दूरी तक चले मुनि ये नहीं बोलने वाले क्या कि अब तुम निकल जाओ, वो चलते रहे तुम देख लो तुम्हारा तुम्हें क्या करना है, तुम तुम्हारी मर्जी से आए हम क्यों तुमको भगाए। आपको एक प्रथमानियों की कहानी पता होगी, भावदेव और भावदेव की, दोनों सगे भाई, भावदेव ने मुनि दीक्षा ले ली थी और भावदेव उन्हीं के भाई गृहस्थ अवस्था में रहते थे और थोड़ा सा भोगी थे समझ लो, उनकी शादी हो गई, बहुत सुंदर पत्नी, अब उसी में अनुरक्त रहे निरंतर, 2-3 दिन हो गए थे शादी होकर, और जितने में एक खबर आ गई कि यहाँ पर घूमते घूमते मुनिराज आए हैं नगर के बाहर, वे मुनिराज अपने गृहस्थ अवस्था के भाई भावदेव हैं, खड़े रहो, तो जय अब वे तो प्री प्लानिंग से भी आए होंगे कि अपने भाई को विरक्त करे शादी हो गई ये फंसे ना, आए इसको भी आहट लग गई कि आ गए हैं, तो उसका भाव नहीं बना जाने का जबकि बहुत राग था भाई के प्रति पहले, इसीलिए क्योंकि शादी हुई है पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे, थोड़े भी समय नहीं छोड़ना चाहते, तो पत्नी ने बहुत आग्रह किया जाइए आप ऐसा नहीं है, तो वे वहां पर गए, वे वहां पर गए फिर लौट के आए, फिर ये दूसरे दिन आहार को निकले और इत्तफाक से इन्हीं के घर आहार हुआ, फिर ये छोड़ने के बहाने निकले फिर साथ साथ,
संग आगे चला गया था काफी, ये कुछ नहीं बोले उनको, चलते चले सीधे संग में आए ठेठ। तो सब मुनियों का काबिला बैठा था वहां पर, अब ये नहीं पूछ पाई कि मैं निकलू क्या यहां पर यहां से। तो आचार्य जो थे उनके, उन्होंने ताड़ लेके, उनके गृहस्थ अवस्था का भाई है, तो संसार की विचित्रता वगैरह बताकर बिल्कुल उनको विरक्त कराया। सुबह वहीं पर मुनि दीक्षित हो गए। वो कह नहीं पाए अपने भाई को कि मैं जाता हूं, तो भाई के प्रति वैसे बहुत प्रेम था गृहस्थ अवस्था में, और इतना 10-12 साल ऐसे ही रहेंगे मुनि संघ में। अभी तक वो नहीं गई थी उनके दिमाग की कि मुझे घर जाना है। वो भाई के प्रेम वशात वो कुछ बोल नहीं पाते थे। मुझे तो कहना क्या था अभी, वे किसी मुनि किसी को ये इशारा नहीं करेंगे अब तुम निकल जाओ, क्यों? इससे यह सिद्ध हो गया कि अभी तक जो आए उसमें आपका अनुमोदन था, चलवाए ना तुमने जबरन। मैं तो देखो, मैं वहां पर रहा ना खनिया धाना में, मैं रात्रि में प्रवचन करने जाता था बाजार के मंदिर में, तो लगभग बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, सभी ऋतुओं में मैं जाता था रात में। तो बीच में अंधेरा पड़ता था बहुत, और वो रास्ता भी थोड़ा ऐसा ही था, सांप वाप सब बहुत रहते थे रास्ते पर, खतरनाक था थोड़ा रास्ता। तो समाज के लोग क्या करते थे, प्रवचन हुआ तो फिर कभी उनको ये भाव आता था तो वे मुझे 1 किलोमीटर दूर जहाँ पर मैं रहता था चेतन बाग में, जहाँ पर वो हॉस्टल चलता है ना गुरुकुल नंदीश्वर, आप जानते हो ना नंदीश्वर गुरुकुल चलता है वहाँ पर, 6वीं से 10वीं वाले बच्चे रहते, तो फिर वो 1 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ पर आते आने के लिए फिर लोग समाज के मेरे को छोड़ने के लिए आ जाते थे। तो जैसे आने को होते थे मैं ये कहता था कि आप मत आओ मुझे छोड़ने। तो क्यों भाई, खैर मैं कहता था आप आएंगे तो और वो आरंभ बढ़ जाएगा, रात्रि में गमन करना भी अपराध है कायदे से। मैंने कहा ना आपको, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा वाले को ही रात्रि में गमन का निषेध बताया है। और मैंने कहा अपन, मैं आ रहा हूँ मजबूरी में, आप क्यों आ रहे मुझे छोड़ने, मैं जा रहा हूँ। और बहुत आग्रह करते थे, तो मैं कहता था आपके पास टॉर्च भी नहीं है जिससे जीव कुछ जीव मरेंगे किसके माथे आ जाएगा, मेरे माथे आ जाएगा ना, तो भाई आप मेरे लिए बताओ। मैं तो कह देता था, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मुनि तो कहेंगे नहीं, क्यों? उनको तो हर प्रकार से रागी नहीं है, अपन रागी है तो अपने को कहना पड़ेगा बताओ। और उनको तो कर किसी प्रकार से राग नहीं, उनको तो कोई संबंध नहीं रखना है, तुम आओ नहीं आओ उनको कोई मतलब नहीं उससे, समझ रहे आप सब? मैंने इतना सारा क्यों बताया, इरिया समिति के परिपालन की मैंने पूरी बात उठाई, उनके निमित्त से कोई पोस्टर नहीं छपेंगे, पत्रिका में नाम नहीं रहेगा, किसी भी आयोजन में उनका आना नहीं बनेगा कि उनको नाम को लेकर अन्य अन्य भीड़ आने लग जाए, ठीक है? अब इरिया समिति हुई, अब क्या देखना, आदान निक्षेपण समिति देखते हैं हम। वैसे आदान निक्षेपण समिति तो आगे भी चलेगी अलग से, फिर वहां पर हम बहुत ही सीमित चर्चा कर सकेंगे, देख लेंगे। अभी चर्चा हम किए दे रहे आदान निक्षेपण समिति की। ये चार्ट कैसे बनेगा इसका, आदान निक्षेपण समिति का? आदान निक्षेपण समिति किसकी रक्षा करती है? अहिंसा महाव्रत की। आपके नींद भग गई होगी तो आप बैठ सकेंगे, आप भी बैठ सकेंगे। आदान निक्षेपण समिति क्या है समझिए, इसका प्रयोजन एकमात्र जीव दया का पालन है। अहिंसा महाव्रत के पोषण के लिए ये उपक्रम किया जाता है। आदान निक्षेपण, ये दो शब्द इसमें पड़े हैं। आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेप मतलब रखना। तो कुछ भी चीज उठाते समय और कुछ भी चीज रखते समय इतनी सावधानी होना कि एक भी जीव का घात न हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये मानो पीछी और कमंडल दिगंबर मुनि के दो हाथ है, दिगंबरत्व रूपी शरीर के वे दो हाथ है, संयम साधना के वे प्रतीक है। इसलिए पीछी के बिना एक कदम भी मुनिराज गमन नहीं करते। तो क्या करते हैं, ये कोई भी चीज उठानी हो तो पहले जहां पर अपना हाथ लगेगा वहां पर पहले से
पीछी से परिमार्जन होगा। पीछी का एक नाम श्वेतांबर संप्रदाय में परमार्जिका ऐसा भी मिलता है, जो परिमार्जन करे। परमार्जन और परिमार्जन ये एकार्थवाची शब्द है। मार्जन, मार्जन ये शब्द शुद्धिकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, और परि चहु ओर से मार्जन करना, शुद्ध करना, निर्जंतुक करना, प्रासुक करना। तो देखिए, आपने कभी देखा होगा मुनिराज कोई पन्ना पलटे तो उससे पहले पीछी को हाथ लगाएंगे, और पहले तो जहां पर पढ़ रहे थे वो पूरे दो पेजेस की का परिमार्जन करेंगे, फिर दूसरा पेज का परिमार्जन करेंगे जो अभी आना है, और फिर उसको रख देंगे। आप समझ रहे हैं, ये पेज क्लोज करना है तो पहले यहां का परिमार्जन कर लिया। क्यों? क्यों परिमार्जन नहीं करेंगे तो जीव मर जाएंगे, जो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और फिर सेकंडली, अभी ये जो पेज पढ़ना है इसमें भी उंगली चली जा सकती है, पढ़ने में, कुछ करने में, तो इसका परिमार्जन कर लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक एक एक्टिविटी में, बैठते समय, उठते समय तो पीछे का प्रयोग तो होगा ही परिमार्जन के लिए। कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी चीज उठानी है और रखनी है, परिमार्जन के बिना काम नहीं होगा। सब समझ रहे? इससे बहुत लॉजिकली एक बात सिद्ध होती है। मुनि का जीवन देखो, मुनि राज हाथ ऐसा उठाया और ऐसा खुजलाने लग गए, ये कदापि संभव नहीं। मच्छर आ गया ऐसा किया, कदापि संभव नहीं। खुजली आ गई कहीं भी बॉडी को, खुजलाना चालू किए, संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? जहां पर हाथ पहुंचे उसके पहले पीछे पहुंचनी चाहिए। मात्र एक स्थान पर पीछे पहले नहीं पहुंचेगी। कहां पर? पीछे के हैंडल को। क्यों? दूसरी पीछे कहां है? तो वो तो अनुष्ठान हो गए, अशक्य अनुष्ठान हो गए ना। आप समझ रहे? कहीं भी, मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे दर्द होता है अपन को, एक दो घंटा उसी पोज में बैठे तो हमको लगा चलो हाथ का ऐसे सपोर्ट ले ले, वे अचानक ऐसा हाथ रखे हो, सपोर्ट लिया हो, कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रहे? ऐसा हाथ रखा हो, फिर हाथ उठाकर अपनी गोदी में रखा हो, कभी नहीं हो सकता। जहां पर हाथ रखा जाएगा वहां पर पहले पीछे फेरी जाएगी। इससे आप गंभीरता समझ सकते हो, उनके बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी, नहीं के बराबर ही होगी। आप सब समझ रहे मेरी बात को? क्यों? काय की चेष्टा करते समय में भी कितने ही जीवों का घात होता है, और अपन गृहस्थों के जीवन में भले ही अवॉइडेबल नहीं है, लेकिन मुनि जीवन में ये बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि उनका राग शरीर के प्रति कुछ रहा ही नहीं है। समझ में आता है? तो कोई जीव, मैं तो हमेशा इसलिए कहता हूं, कोई सामान मक्खी भिनभिना रही हो और वे ऐसे करते दिखे, हाथ घुमाते, तीन काल में संभव नहीं। क्यों? अरे अपने यहां ऐसे फोटो लगे हैं, सियालिनी व्याघ्रिनी ने आकर नोच नोच के उनका पूरा शरीर खा लिया, लुहलुहान किया, देहांत उनको पीड़ा की, मरने की कीमत पर भी उन्होंने बर्दाश्त की, फिर भी उन्होंने काय की कोई चेष्टा नहीं की। और एक मक्खी मच्छर कोई भगाने लग जाए तो वो मुनि किस काम का? आप समझ रहे? मुनि मतलब अत्यंत गंभीर स्वरूप है, एकदम उच्चता प्राप्त की है। हम अपने शरीर के कोई है ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अरे वे भी तो आदमी है ना, ऐसे थोड़ी होता है, वे भी तो घूमेंगे ना, ऐसा ऐसे थोड़ी है, नहीं है ना। वे हम आदमी जैसे है ही नहीं वे, इसलिए उनको मुनि नाम अलौकिक वृत्ति ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बोल दिया। क्या बोल दिया? मुनियों की, साधुओं की वृत्ति लौकिक होती ही नहीं है। फिर से ऐसा नहीं बोलना। कैसा नहीं बोलना? वे तो हम सरी के ही है ना, ऐसा थोड़ी है। अरे हम सरी के नहीं है ना, तभी तो वे ऐसा नहीं कर सकते। वे अलौकिक है, और उनकी, उनको हमने कौन सी श्रेणी में रखा है? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में उनको नाम लिया है। पंच परमेष्ठी में बराबर मुनियों को भी नमस्तु है, नियम सार में ऐसा लिखा, जो सिद्ध भगवान में और मुनियों में अंतर देखता है वह पापी है। तो ये मुफ्त का डिग्री है क्या उनको? ये जो उनको बहुमान मिला है सिद्धों के बराबर बैठने का, वो उनके वैराग्य के कारण,
उनकी वृत्ति उच्छृंखल नहीं हो सकती। आदान निक्षेपण समिति के हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वैसे प्रतिष्ठापन समिति भी आएगी आगे, तो उसके और चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार इनका होता है अपनी एक एक चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बैठने में, उठने में, कोई भी एक्टिविटी में पहले पीछे से परिमार्जन करेंगे। पीछे की क्या विशेषता है ये एक घंटा फिर कभी पीछे के बारे में लेंगे, ठीक है। अभी जिनके कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मुझे पूछिए। हाँ, ये किसने कहा आपको? नहीं, वो लिखते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। बैठिए, आगे एक लाइन आएगी, बोलो। शुचि ज्ञान संजम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। तो उनके पास एक तो पीछी है, संयम का उपकरण, कमंडल है, शुचि का उपकरण और एक ग्रंथ वे अपने पास रख सकते हैं। वे अपने पास उतनी ही सामग्री रखते हैं जितना स्वयं ढो सके, और इतना भार होने लग जाए कि एक आदमी को रखना पड़े तो भैया उसका भार कौन झेलेगा, उस आदमी का? तो उसके पीछे वो ग्रंथ ही छोड़ देंगे। फिर एक से दूसरा ग्रंथ नहीं रख सकते वे। क्यों? कैरी करके दिखाओ, कैरी करके नहीं दिखा सकेंगे आप, समझ रहे। और उसमें भी ये पद्धति होगी, पीछी तो होती है राइट हैंड में, कमंडल होता है लेफ्ट हैंड में, आगे और चर्चा करनी है, और फिर बगल में शास्त्र को रख लेंगे वे, आप समझते हो। और दो दो शास्त्र होंगे तो कैसे प्रैक्टिकल होगा ये? वे क्या बोझा ढोने के लिए साधु हुए हैं? उनका जीवन साक्षात ही, बोलो, शास्त्रों का भंडार है। उनको वैराग्य को उपजाने के लिए ये बाहर के ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पांडे राजमल जी को लिखना पड़ा, ज्ञानी धर्मात्माओं को शास्त्र की अटक नहीं है, समझते हो आप लोग। वह देवी सरस्वती जिसको लोक में कहते हैं ना, विद्या देवी सरस्वती, किस काम की? क्यों किस काम की? जिसको सामने ग्रंथ रखना पड़े वो सरस्वती किस काम की? विद्या तो वो दम की है जो बिना पन्नों की है। मैं ये एक एक पन्ना पढ़ पढ़ के दिखा रहा हूं, उसमें विद्या का मजा नहीं आता। मैं बिना देख देख कर छंद बोलू तो आपको तो लगेगा पंडित जी बहुत विद्वान है, आकर्षण होगा कि नहीं, सच बोलो। तो वो सरस्वती किस काम की? अपने सरस्वती की फोटो देखिए कभी, तो उसमें ग्रंथ रखा रहता है सामने, बहुत सारी बातें रहती है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तो कहते केवल ज्ञानी भगवान है, जिनेश्वर परमात्मा है, वे साक्षात ही ज्ञान का पुंज है, उनको कोई पन्ने पलटने की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन सहजता में कोई ग्रंथ उनके पास हो तो भी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं वे कहीं छोड़ के ही चले जाए। हाँ, उसका विकल्प खत्म हो जाए, रीडिंग पूरा हो जाए, तो या तो अदला बदल करेंगे और फिर बहुत भार जैसा लगने लग जाए, छोड़ देंगे एक जगह, फिर विकल्प नहीं करेंगे। लेकिन एक ग्रंथ रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, रखने का नियम नहीं है। समझ में आता है, चलना है आगे, बोलो। आपने बोला था कि वो जहां भी बैठता है तो वहां पर परिमार्जन करके बैठता है, तो वहां पर अगर कुछ मतलब धूल वगैरह रहती है तो हटाते हैं तो उसके उनके पीछे में जाओ, फिर वही उससे ग्रंथ साफ करते हैं। नीचे टच नहीं करते पीछे, ऐसे तो पीछे बिल्कुल नहीं टिकेगी। फिर मैं पीछे की चर्चा आगे करूंगा, तब उसमें बात कर लूंगा, ओके। पीछे की चर्चा में करने वाले हो एक घंटा लगेगा, दो चार दिन उसको रुकना पड़ेगा, फिर करूंगा मैं, बोलो। तो सूर्य मंत्र कैसे दे सकते हैं? सूर्य मंत्र की चर्चा अंत में करेंगे, अभी तुम लोग एक 10-12 घंटे कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग कोई इसी संबंध में प्रश्न हो तो पूछे, सूर्य मंत्र की चर्चा अंत में करूंगा, 15 दिन के बाद, आज नहीं। एक बात नक्की हो गई, पब्लिक कार्यक्रम में मुनि नहीं आते, उनका कोई काम नहीं है पब्लिक में आने का, आप समझ रहे। अरे जिन्होंने अपने एक हाथ बीवी बच्चों को छोड़ दिया है, उनका अभी काम नहीं है लोक में आने का। और जो लोक का संपर्क करता है, संसर्ग करता है, उसको राग द्वेष हुए बिना रहता नहीं है, किसी को बाध्यता नहीं देते, उनको सामाजिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे। चलो बोलो। यहाँ पर तो ऐसा बोलेंगे, अभी कल परसों में पढ़ूंगा, अरे वे उपदेश तक देना मुनियों को, उसको साक्षात जहर समझते हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, कोई लौकिक चर्चा की बात नहीं, समझ रहे। हमको आराधना के लिए दीक्षा ली है,
लौकिक कार्यों के लिए दीक्षा नहीं ली है हमने, समझ रहे हैं? बोलो। इसकी चर्चा करेंगे 10 दिन बाद। अभी तुम धैर्य रखो थोड़ा, अभी या तो प्रश्न पूछो मत या नोट करो, और 8-10 दिन के बाद मैं कहूंगा आपको, 10-15 दिन के बाद। मेरा विषय मेरी तरफ से हुआ है, कोई प्रश्न हो तो पूछे, और लगभग कोई प्रश्न नहीं रहेगा, छोड़ो अभी, ठीक है? बोलो। आहार की चर्चा बाद में करनी भैया, यशना समिति में। आहार की चर्चा यशना समिति में करनी है हमको। अभी अभी उठाएंगे तो आगे क्या करेंगे चर्चा? यशना समिति चलेगी ना, वहां पर आहार की पूरी चर्चा करूंगा मैं, उनकी भोजनचर्या कैसे होती है। आप थोड़ा अधीर न होइए, सब अभी तो प्रकरण चालू हुआ है अपना। कितने 2-3 घंटे हो गए क्या आपने? कितने हुए? अभी चलेगा, आराम से सब बातें आएगी। चलिए अभी तो मैं आदान निक्षेपण की चर्चा करूँ आपको। पीछी को एक संयम का उपकरण के रूप में वे रखते हैं। आपको पता होगा धूप से छाया में जाते हैं, धूप का कदम छाया में आने के पहले पहले परिमार्जन पूरा शरीर का करते हैं, और छाया में जाते हैं तो फिर से परिमार्जन करने की वैसे आवश्यकता नहीं, फिर से परिमार्जन कर लिए तो कर लिए, ऐसी कोई खास बात नहीं। क्यों? इसमें जीव अलग प्रकार के, इसमें जीव अलग प्रकार के, इसको लेकर भी हिंसा होती है। तो धूप से छाव में आए अथवा छाव से धूप में आए, दोनों जगह वो क्षेत्र बदलने में वे पहले परिमार्जन करेंगे अपने शरीर का। एक ऐसा तो उल्लेख मिलता है कि यदि मिट्टी बदल जाए, होता है ना, मिट्टी बदल जाए, अभी काली मिट्टी थी अभी लाल मिट्टी हो चालू हो जाए, थोड़ा अंतर पड़ जाए, तो उसके बीच में भी वे घुटने के नीचे तक परिमार्जन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके आश्रय से भी जीव न्यारे न्यारे रहते हैं, और एक स्थान के जीव दूसरे स्थान पर नहीं टिक सकते। आप समझते हैं, हम स्थूल उदाहरण लेवे, कश्मीर का कोई आदमी यहां पर आए, वो सूट करेगा उसको? अरे हम लोग पूना से यहां पर आए हैं, हमको सूट नहीं होता ये क्लाइमेट, यहाँ की ना ठंड सूट होती ना गर्मी सूट होती। क्यों? वो जहां पर जीवन हमारा गया है वही का सूट होगा हमको। विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं, वो स्वास्थ्य उनका ठीक थोड़ी रहता है, वो सर्दी खांसी में उनका टाइम चला जाता है। क्यों? वहां का क्लाइमेट कैसा, और यहाँ पर आते हैं एकदम क्लाइमेट चेंज, बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने इतना सारा क्यों बताया, ये छोटे जीव जीवाणु है, वे इतने इतने से क्लाइमेट में ही नहीं जी पाएंगे। जब हम संगी पंचेंद्रिय होकर भी हमको थोड़े थोड़े में ही इतनी सर्दी जुकाम खांसी होने लग जाए क्लाइमेट में ही, वो जीवों का संचार तो जीव तो घात को प्राप्त होते ही है। आदान निक्षेपण समिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इससे और भी एक बात का निराकरण स्वयं ही हो जाता है कि जो मुनिराज आग्रह रखते हैं कि वे प्रतिमा को स्पर्श करके दर्शन करें, उसका अपने आप खंडन हो जाता है, क्योंकि स्पर्श कहाँ से करोगे आप? स्पर्श तब करना संभव है जब परिमार्जित हो वो वस्तु, और प्रतिमा का परिमार्जन संभव है क्या ऐसा कोई? और कैसा अविनय जैसा दिखेगा? अपने यहां दर्शन की पद्धति दूर ही से है, अपने छू छू कर दर्शन करने की पद्धति नहीं है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत मैं आगे चर्चा करूंगा इसकी, छूने की पद्धति नहीं होती अपने यहां, और चर्चा करूंगा मैं, ठीक है? साधारण भारतीय संस्कृति देखिए आप और विदेशी संस्कृति देखिए, दिस इज इनफ टू नो। क्यों? विदेश में वो शेक हैंड करते हैं। अभी अभी आपको रिसेंट का पता है ना, ये ओबामा यहां पर आए थे, मुझे तो किसी ने बताया, अखबार पढ़ने का तो कोई काम नहीं पड़ा, तो यहां पर आए थे रिपब्लिक डे को इंडिया में ओबामा, तो यहां से किसी मुस्लिम कंट्री में कोई गुजर गया था, तो वहां पर मिलने गए, तो पहले तो उनको ये बताया गया कि अभी वे नमाज पढ़ रहे हैं, जिनका कोई मर गया था वे नमाज पढ़ रहे हैं, अभी रुकना पड़ेगा, रुकना हो तो रुको अन्यथा निकलिए। तो वे रुके, तो फिर जैसे वे सामने आए, तो जो पति पत्नी सामने आए तो इन्होंने शेक हैंड करना चाहा,
तो उन्होंने शेखंड नहीं किया उनको, कितनी बड़ी बात है, वे कहे हमारे यहाँ शेखंड नहीं होता। और स्त्री पुरुष में हाथ मिलाए, पुरुष स्त्री में हाथ मिलाए, ये तो बहुत दूर, आपसी में ये हाथ नहीं मिलाते दूर से। अपनी भारतीय संस्कृति इस मामले में मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है, नमस्कार की। इन्फेक्शन भी होने का कोई सवाल नहीं, और फिर हमको पहले क्या, हमको बाद में क्या, झंझट खड़ा नहीं, प्रिफरेंस पहले दूसरे की बात नहीं, और एक नमस्कार में 100 जन खुश हो गए एक साथ, तो हाथ कितने साथ जोड़ोगे तुम, और दो चार फिर बाकी के ना खुश हो जाएंगे। मैंने इतना सारा क्यों बोला, छूने की पद्धति अपने यहाँ नहीं हो सकती, तो ये यहाँ वहाँ खुजलाना, हाथ पैर उठाना, यहाँ वहाँ धरना, ये मुनियों के जीवन में नहीं देखने में आ सकता। आप 10 मिनट में निर्णय कर सकते हैं, कोई देखते रहो किसी मुनि को, हलन चलन एकदम अनिजी रूप दिखता हो जैसा आदमियों को होता है, वो जैन मुनि नहीं हो सकता। और आप राजरोष आज देख सकते हैं आप, कि बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, फिर जैसे दरवाजा खोला, उन्होंने दरवाजा खोला, मूल बात तो मुनिराज जहां पर दरवाजा है वे खोलते ही नहीं है कोई, एकदम खुले स्थान में विचरण करने का आदेश है, जहां पर दरवाजा हो वहां पर प्रवेश करने की बात नहीं, बाप का राज नहीं है यहां पर। एकदम जो पब्लिक प्रॉपर्टी कहना चाहिए, एकदम जो खुली स्पेस है जहां पर कोई भी विचरण कर सकता है, ऐसे ही जगह मुनिराज रहते, दरवाजे वाले स्थान में बिल्कुल नहीं रहेंगे। और आप स्पष्ट देखते, दरवाजा जैसे खोला तो दरवाजे को हाथ लगाते समय उन्होंने पीछे पहले चला ही क्या, निश्चित रूप से नहीं, फिर दरवाजा बंद हो गया। आजकल तो वैसा दरवाजा लगा देते हैं वो अपने आप, क्या ऑटोमेटिक बंद वाला, अब इसमें परिमार्जन किया क्या पट्टी के बीच में, नहीं समझा। मैं आपको सत्य घटना बताऊं तो आपको थोड़ी गंभीरता आ जाएगी इसकी। एक मुझे पहले धर्म का प्रारंभ हो गया था मेरे जीवन में, ये तब की बात है, आज से 10-12 साल पहले की। तो कुछ करते समय एक खिड़की लगाने को गया मैं, तो खिड़की लगाई और 2-3 दिन के बाद जब खोली, एकदम पतली बॉर्डर थी उसकी, तो एकदम देखा छिपकली फ्लैट बिल्कुल मर गई थी एक। ये तो पकड़ में आ गया कि ये तो खिड़की लगाने से ही मरी है, ये नहीं समझ में किसने लगाई। फिर ये ख्याल में आया 2-3 दिन पहले अपने खिड़की लगाई थी ये, उसके निमित्त से मर गए। तो थोड़ा ऐसा लगा, अरे कभी भी दरवाजा लगाते समय, खिड़की लगाते समय हमको एक बार देखना चाहिए था। परिमार्जन तो अपन क्या करें, लेकिन देखना जरूर चाहिए था। अब मुनि के जीवन की कितनी उच्चता होगी आप समझ रहे हैं, वो चाहे जैसा बिहेव करेंगे ये कदापि संभव नहीं है, समझ में आता है। अहिंसा महाव्रत ये पहला महाव्रत है अपना, हर कीमत पर जीव दया का पालन तो होगा, और अपन अपने स्तर पर कर रहे हैं, मुनि मुनि के स्तर पर करेंगे, समझते हो आप। पालन दोनों कर रहे हैं अहिंसा का, हम हमारे स्तर पर करते हैं, उनकी उच्च दशा है वे ऊंचे स्तर पर करेंगे। तो बहुत होता है ऐसा, कपड़े में, कपड़े भी जो हम भिगोते हैं ना कपड़े धोते समय, मुझे पहले से बिल्कुल पसंद नहीं है कपड़े जो धोने हैं, और वो जमीन पर कुछ भी चीज़ रखी जाए मुझे पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप कोई भी चीज़ ऊपर रखना टेबल पर, नीचे जीव जंतु है उसमें घुस जाए, और फिर दूसरे दिन भी हम बाल्टी में भिगोने हैं कपड़े धोने के, उसको एक एक को फटक फटक कर करें, क्यों, रात में कोई जीव घुसा होगा। तो मुझे आज भी याद है, धोती मैंने सुखाई खनियादाने में 6-7 साल पहले, भिगोई, एक चूहा मरा, और आखिर तक पकड़ नहीं पाया मैं ये चूहा इसमें आया कैसे, कभी चूहा भी घर में नहीं रहता था, और धोती फटी थी बराबर चूहे नहीं, ये नक्की हो गई थी बात कि ये चूहा कभी धोती में घुसा है, 2-4 घंटे पहले घुसा होगा। और अरे गुस्सा मतलब कोई पहने हालत में थोड़ी घुसेगा जो तुम हंसने लग गए वो तो, और तो और मैंने रस्सी को टांग कर रखी थी वो, और फटा तो उससे जाना ये चूहा घुसा था, और बिना फटक के उसमें डाल दिया। बहुत बार कॉकरोच छिपकलिया वैसे मिल जाती है, हमको ही ख्याल में आता है एक एक चीज परिमार्जन करके उसको भिगोना चाहिए। कितने जन बात को समझ रहे हैं, बहुत ही सरल है। जब हमारे जीवन में हम इतना करने की बात है विवेक की, तो मुनियों का जीवन तो और भी ऊंचा है,
ठीक है, तो वे तो ऐसा स्थान पर रुकते करते ही नहीं, और ऐसा कोई प्रसंग बने बैठने उठने का, परिमार्जन सदाकाल उनका होता रहता है। ये अपनी चर्चा हुई, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसा समिति की चर्चा कर ले, सॉरी अलौकिक पान की चर्चा करनी है। आदर निक्षेपण समिति हो गई, जितनी संभव हो मैंने चर्चा कर ली, फिर और प्रतिष्ठापन समिति भी रही, आगे चलेगी समितियां, तो वहां पर थोड़ी बहुत चर्चा कर लूंगा अभी। अभी क्या चर्चा चलेगी? अहिंसा व्रत की पांचवी भावना पढ़ो। अहिंसा व्रत की पांचवी भावना, आलोकित पान भोजनानी, क्या लिखा? आलोकित पान, आलोकित मतलब आलोक, मतलब होता है उजाला, प्रकाश। उजाले में ही भोजन करेंगे, क्या बोला? इससे क्या बात फलित हुई? दिन में ही भोजन करेंगे। वैसे मुनिराज के 28 मूल गुणों में आगे दो गुण आने वाले हैं शेष गुणों में। एक तो दिन में एक बार आहार, एक भुक्त व्रत, और एक आएगा स्थिति भोजन, खड़े खड़े भोजन। ऐसे दो आगे आने वाले हैं ये, और दिन में आहार करना, मतलब आहार संबंधी भी तीन बिंदु लिए हैं इन्होंने 28 मूल गुणों में। ये किसकी रक्षा करता है? अहिंसा महाव्रत की रक्षा करता है, दिन में ही भोजन करना। अब इनका दिन मतलब, इनका दिन मतलब, सुनिए सब सुनिए, इनका दिन मतलब सूर्योदय के तीन घड़ी बाद और सूर्यास्त से तीन घड़ी पूर्व तक, इतने पीरियड में ही वे अपने आहारचर्य के लिए निकल सकते हैं। सूर्योदय के तीन घड़ी बाद क्यों? क्योंकि अभी रसोई तैयार नहीं हुई होगी, कहां से निकलेंगे? आप सब समझ रहे, सूर्यास्त के तीन घड़ी पहले तक क्यों? तो ये भोजन करेंगे फिर बाद वाले करेंगे, तो यही लेट जाएंगे तो बाद वाले करेंगे कब? बर्तन वर्तन मांजेंगे कब? क्या रात्रि में भी वही करते रहेंगे? आप समझ रहे, आलोकित पान कहकर उजाले में भोजन करना, दिन में भोजन करना बात फलित हो रही है। कृत्रिम उजाले में भोजन नहीं करते, जिनके चौके में अंधकार हो, बहुत जनों के चौके में अंधेरा रहता है, ऐसा चौका होता है, चौका समझते हो ना आप, रसोई घर, उसमें अंधेरा अंधेरा बना रहता है, फिर ट्यूबलाइट लगा देते हैं, वहां पर मुनि का कभी भी आहार नहीं हो सकता। उजाला प्राकृतिक चाहिए, कृत्रिम नहीं चलेगा, एक प्रकार से वो रात्रि ही है वहां पर, आप सब समझे। इसलिए घर बनते समय ऐसे चाहिए ओरिजिनल लाइट हो भरपूर और खूब हवा चलती हो, क्योंकि गारंटी से जहां पर हवा नहीं चलेगी तो उजाला भी नहीं आएगा, उजाला नहीं होगा तो हवा भी नहीं चलेगी, इतने पोल्यूटेड वातावरण में भोजन की शुद्धि कैसे रहेगी? समझ रहे? तो इससे बात फलित हुई, कोई ये कहता है नहीं वो तो अंधेरे में भोजन नहीं करना, इस लाइट में तो उजाले में तो कर सकते हैं, सीएफएल में नहीं चलेगा, वो प्राकृतिक उजाले की बात चल रही है। प्राकृतिक उजाला ये निर्जंतुक किरणें स्वयं में उसकी रहती ही है, जिसके कारण निर्जंतुकपना सर्वत्र बना रहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? और जहां पर सूरज की किरण नहीं पहुंचेगी वहां पर निर्जंतुकपना बना रहना संभव नहीं। इसका आपको थोड़ा देखना हो तो जो बेसमेंट वाले होते हैं ना घर, बेसमेंट वाले अंडरग्राउंड, वहां पर जाके देखे तो आपको पता चलेगा, सीलन की बात आती रहती है, जितनी हवा कम जाएगी सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, दिक्कत तो होगी, वहां पर जीव उत्पत्ति होती रहती है। अलौकिक पान की हमने चर्चा की, ये अहिंसा महाव्रत को पुष्ट करती है, दिन में ही भोजन ये करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ बढ़ना? अभी बोलो, कोई जिनवानी नहीं लेके बैठा है ना, कोई जिनवानी लेके बैठने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को, है ना, छह डाला लेके बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, ना छह डाला लेके बैठने की आवश्यकता है, ना तत्व और सूत्र बैठ के लेके बैठने की आवश्यकता है हमको, क्योंकि हमको आना लेट, फिर जो पहले बच्चे जिन्होंने निकली होगी तो हमारे लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर
कोई आवश्यकता नहीं हमको। बोलो क्या बात है। मतलब अपनी बात कर रहे हैं, फिर और क्या उपाय करेंगे? धूप में सुखा देंगे, फिर उसको शुद्ध हो जाएंगे, मारे ही जाएंगे वो तो, लेकिन शीलन बनी रहेगी तो भी जीव उत्पत्ति बनी ही चलती रहेगी। तो ऐसा कुछ उपाय करें कि पहले ऐसा होवे ना, दोष आए ऐसा करे ना, ऐसा कुछ उपाय करें। ठीक है बेटो, और वैसे अभी आगे भी प्रकरण आएगा, आदर निक्षेपण समिति के संबंध में मुझे कुछ कहना था, भूल रहा हूं, मैं अभी ले रहा हूं उसको। मैं ये कह रहा हूं कि रात में भी मुनिराज इसलिए करवट नहीं बदलते, रात में भी करवट नहीं बदलेंगे फिर विशेष समस्या होगी, तो पहले ही सूर्यास्त के काल पहले ही रिक्वेस्ट रखेंगे आचार्य के सामने कि मुझे यह समस्या है, मैं दूसरी करवट ले सकूंगा क्या? और उसमें भी पहले पीछे चलेगी, हम जैसों की बात थोड़ी है कि रात में 10 करवटें बदल गई, देखा सुबह यहां सो रहे थे फिर वहां चले गए। असावधानी वाली निद्रा नहीं होती मुनियों की, उनकी उंगली भी हिलेगी नहीं। और यदि कोई बुढ़ापा हो, रुग्ण दशा हो, करवट लेनी हो, पहले बात हुई हो, तो पहले पीछे चलेगी और फिर करवट आएगी, कितनी भी रात में हो, कैसी भी स्थिति हो। और गाड़ी नींद तो उनको आती नहीं, जिनको अपने संपत्ति को बचाने का भाव है उनको गाढ़ी निद्रा कैसे आ सकती है? असत्य महाव्रत की तरफ बढ़ना हो तो मुझे बताओ अभी, बोलो। जैसे कि किसी दिन सूरज ना निकला हो और मुनि को आहार लेना हो, तो उस दिन तो उजाला ही नहीं होगा, तो मुनि आहार नहीं। उजाले की बात यहाँ पर, उजाले से वो संबंध वैसे नहीं है, सामान्य रूप से हमको तो पता ही चलता है कि नहीं सूरज निकला है कि नहीं, क्या हम ये समझते अभी रात ही बिल्कुल ही अंदर ही रहता है, ऐसे तो कभी होता है क्या? ये तो बात है कहने की। ठीक है बैठो, चलो। और फिर विकल्प है उनका अपना, तो उनका भाव आए हुए नहीं जाएंगे, और ये समस्या तो 12 महीने की तो है ही नहीं, ये 2-3 महीने की समस्या है, 3 महीने में भी कितने दिन होंगे। ठीक है, असत्य महाव्रत की चर्चा प्रारंभ करनी है, लेकिन समय तो अपना हो गया है, अपन एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी में आप तत्वर सूत्र का, इसी के अहिंसा महाव्रत की ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तत्वर सूत्र का 6वां अध्याय खोलो, 9वां सूत्र मिल रहा है सबको, 6वां अध्याय 9वां सूत्र देखिए, आश्रव किन किन कारणों से होता है, प्रकरण यह चल रहा है यहां पर। तो यहां पर 8वें सूत्र में तो यह बोला कि आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषय स्त्री 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 चतुश्चैक्ष, यह हमने देखा था, देखा था हमने 160 कोटि से आश्रव होता है। आगे 9वां सूत्र में पढ़ना चाहूंगा, आश्रव किन कारणों से होता है, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गात द्वि चतु द्वि त्रि भेदा परम। अब फटाफट नोट करेंगे जो मैं कहूंगा, जैसे उन्होंने कहा निर्वर्तना, निर्वर्तना कितने प्रकार की बोल रहे हैं, 2 प्रकार की बोल रहे हैं। ठीक है, 2 प्रकार की बोली ना उन्होंने, एक मूल गुण निर्वर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना, 2 हो गई। मूल गुण निर्वर्तना क्या चीज है, शरीर का दुष्प्रयोग करना, इससे आश्रव होता है, यह मूल गुण निर्वर्तना। शरीर का दुष्प्रयोग मतलब क्या क्या होगा, शरीर की कुछ भी चेष्टा की होगी अनर्गल निरर्थक। उत्तर गुण में लिखो छिद्र सहित कमंडल आदि उपकरण रखना, इससे भी आश्रव होता है, छिद्र सहित कमंडलू आदि उपकरण रखना। क्यों, क्या होगा उससे, कमंडल को छेद हो गया है फिर भी उसी को चला रहे हैं, तो पानी लीकेज होगा, जीवों का घात होगा, पीछे है ढंग से नहीं बांधी है, उसके पंख कहीं निकल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं,
इसमें क्या दिक्कत है, इसमें भी आश्रय होगा, क्यों, उपयोग उसमें उलझेगा ना, कोई भी काम करना है अच्छा करना है, और फिर परिमार्जन में भी सावधानी नहीं होगी फिर उसमें। यहां पर भी जो झाड़ू की वो निकल रही है और कोई ठीक नहीं कर रहा है उसको बांधकर, तो उसको भी प्रमादी जीव बोला जाता है, आलसी, तो उनको वहां पर भी समझ लेना। ये उत्तर गुण निर्वर्तना में छिद्र सहित कमंडलू उपकरण रखना। निक्षेप चार प्रकार का लिखिए, इसका चार्ट बनाओ चाहो तो, चार रूप में इसका विभाजन करो। सहसा निक्षेप, अनाभोग निक्षेप, अभी स्वरूप भी मैं लिखा रहा हूं आपको, उसके नीचे नीचे लिख देंगे, पहले नाम लिखो चार, सहसा, अनाभोग, दुष्प्रमृष्ट और अप्रत्यवेक्षित। दुष्प्रमृष्ट और अप्रत्यवेक्षित, ये चार प्रकार के निक्षेप, ठीक है। अभी देखिए इसका स्वरूप बताता हूं मैं। अप्रत्यवेक्षित तो स्पष्ट ख्याल में आ रहा है क्या, बिना देखे, देखा ही नहीं जीव जंतु है कि नहीं, बस का मंडल रख दिया, और बिना देखा नहीं, भले ही परिमार्जन क्या होगा लेकिन बिना देखे, बिना देखे रखा हो तब भी गया, और बिना देखे परिमार्जन करके रखा हो तब भी गया, देखा तो तुमने है ही नहीं, अप्रत्यवेक्षित। दुष्प्रमृष्ट, बिना परिमार्जन किए बस देखा आंखों से, और क्या इतने से के लिए अभी परिमार्जन करना, बिना परिमार्जन के कमंडल रख दिया, स्वयं बैठ गए, नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी सहसा निक्षेप में क्या लिखेंगे, भय आदिवश शीघ्रता से मल मूत्र का विसर्जन करना, शास्त्र का विसर्जन करना, कैसे सुना अभी, वैसे इसका भाव ये लेना, भय आदि से मतलब कोई भी बात हुई होगी, बहुत जल्दी जल्दी में काम किया तो किसी का भय हुआ हो, कोई आ रहा है क्या, और जितने में फटाफट कुछ नीचे रखा, अथवा मलमूत्र का विसर्जन किया, अथवा फटाफट कोई उठा लिया, अरे अरे चलो चलो जाना है, विहार करना है जल्दी, अरे 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 अपने तैयारी नहीं की और हमें बहुत देरी हो गई, संग आगे निकल करता जा रहा है, तो भय आदि से कि अपन पीछे न रह जाए, फटाफट वैसे कमंडल उठा लिया, भय आदि से शीघ्रता से ये सब करना, तो ये सब चला जाएगा सहसा निक्षेप में। और फिर ये नहीं कह रहा हूं मैं नहीं किया होगा परिमार्जन वगैरह, लेकिन एकदम जल्दी जल्दी में अच्छे से ढंग से देखने आदि। और अनाभोग में लापरवाही से, लापरवाही से जहां पर जो चीज नहीं रखने कही कि कहीं रख दी, कहीं कुछ रख दी, आलस से परिमार्जन किया, आलस से देखा ही नहीं, ढंग से नहीं देखा, नहीं उसमें भय आदिवशात लिया और इसमें लापरवाही ली थोड़ा का ये, इसलिए मैंने यहाँ पर आलस प्रमाद ले लिया लापरवाही में, और भय आदि में वो कोई कषाय जोर मारे तो उसके पीछे उन्होंने ऐसा किया। ये हो गया सब, ये इनसे आश्रय होता है, तो ये सब समझना कैसे करते हैं। फिर आगे क्या रहा तीसरा, संयोग। संयोग कितने प्रकार का, दो, एक तो उपकरण, उपकरण का, उपकरण में कैसे संयोग होगा इनके, किसी का किसी चीज में मिला लेना, तो क्या हो सकता है संयोग में, जैसे संयोग के दो प्रकार बता रहे ना, एक प्रकार तो ये होगा कि ठंडा गर्म पानी आदि मिक्स करना वगैरह, ये तो इनके संभव ही नहीं मुनियों के, ये तो गृहस्थों के होगा, लेकिन उपकरण संबंधी कुछ, हाँ धूप छाव ऐसा कह सकते हैं, अथवा किसी के पीछे को अपनी पीछे टच कर ली बिना मतलब के ही, उसी पर रख दी ऐसा, मतलब ठीक से नहीं रखा तो संयोग का दोष आ जाएगा उसमें, ठीक है। बोलो आगे आगे, और अभी तो टाइम वैसे ही होगा पीछे की, हमें चर्चा करनी है भैया आगे, एक घंटा चर्चा करूंगा मैं पीछे की, आगे दो चार दिन रुको, और 10 दिन के बाद जितने आप तो अभी नोट करें एक एक प्रश्न,
फिर 10 दिन के बाद पूछूंगा, फिर ये नहीं कहना हम तो भूल गए, अभी नोट करो जो प्रश्न है, 10 दिन के बाद आप शायद ये प्रश्न नहीं पूछेंगे मुझे। और निसर्ग, निसर्ग मन वचन काय, तीन प्रकार के निसर्ग है। गर्म ठंडा पानी मिक्स करना आदि आदि, वो गृहस्थों में घटित होगा और उपकरणों का सहयोग होने ये मुनियों में घटित होगा। ठीक है, एक ही सहयोग मुनियों में घटित होगा। निसर्ग मन वचन काय, काय की कुचेष्टा, वचन की कुचेष्टा और दुष्ट विचार, इससे भी आश्रय होता है। ये तत्वार सूत्र के आधार से किन किन से आश्रय होता है उसकी भी चर्चा हमने यहाँ पर कर ली, शेष चर्चा कल करेंगे। हाँ, संयोग का दूसरा भेद ठंडा गर्म पानी वगैरह मिक्स करना, एक उपकरण मिलाना एक दूसरों के साथ। ठीक है, चलिए कल करेंगे चर्चा। ओम नमः।